Holy shit, 1000 subscribers. Thank you very much guys. Hey guys, Nawaz here from thenerdhound.com और ये है Star Wars The Rise of Skywalker का रिव्यू. इसका डिटेल ब्रेकडाउन हम बाद में करेंगे once everyone has seen the movie. इस रिव्यू को मैं जितना हो सके उतना स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश करूंगा, बट जितना हम डिटेल्स में जाएंगे उतने ही पोटेंशियल स्पॉयलर्स आएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, हियर इज योर माइनर स्पॉयलर वार्निंग. अगर आपको फ्रेश एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले जाकर मूवी देखिए और फिर यहाँ आइए. एपिसोड 9 एकदम ऐसा माइंड ब्लोइंग भी नहीं है और ना ही एकदम बकवास है. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है कि दिस मूवी इज़ गुड एंड आई एन्जॉयड इट. मूवी के दौरान काफ़ी बार ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है यार, जे ये क्या कर दिया तूने. बट कुछ मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, इतने स्पेशल कि यू फील द फोर्स रनिंग इनसाइड यू. स्पेशली लास्ट के 20 मिनट्स आप वो देखने के बाद सोचते हैं कि हाँ, इट इज़ वर्थ इट. जाओ, तुम्हारी गलतियों को माफ़ किया. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस रिव्यू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एपिसोड 9 के स्ट्रेंथ्स और इसके वीकनेसेस. पहले बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ्स के बारे में. इसकी विजुअल्स एंड VFX क्वालिटी कमाल की है. ब्यूटीफुल सेट पीसेस, सिनेमाटोग्राफी और परफेक्ट मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड डिजिटल इफेक्ट्स. दूसरा स्ट्रेंथ्स इसके कैरेक्टर्स, सच एन आइकॉनिक एंड टैलेंटेड कास्ट इंक्लूडिंग द ड्रॉइड्स. फिर रे एंड काइलो की बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो कमाल की है. उसके बाद काइलो रेन, सीक्वेंस ट्रायोलॉजी में काइलो रेन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. क्या कमाल का एक्टर है एडम ड्राइवर, आई मीन ही किल्ड इट. आइकॉनिक साउंड इफेक्ट्स एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक, आप हर एक इमोशन को ऐसे अंदर से फील करते हो. रे का कैरेक्टर आर्क थोड़ा रश्ड था, बट दो तीन चीज़ों को इग्नोर कर दो तो आई थिंक रे का कैरेक्टर आर्क और उसके स्टोरी का एंड परफेक्ट था. द अनएक्सपेक्टेड कैमियो, सो मूवी के दौरान एक स्पेशल मोमेंट पर एक स्पेशल कैरेक्टर का कैमियो है जो एटलीस्ट मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई लव्ड इट. स्पॉइलर अलर्ट, इट्स नॉट बेबी योडा, बट आई एम ग्लैड दैट डिडंट हैपन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द क्लाइमैक्स. ओह दैट क्लाइमैक्स, वो एंडिंग वाला स्पेस बैटल, लाइटसेबर ड्यूल्स एंड द क्लोजिंग सीन, पूरे मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट. तो ये हो गए स्ट्रेंथ्स. अब बात करते हैं इसके वीकनेसेस के बारे में जो काफी ज्यादा है. एपिसोड 9 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी स्टोरी. या द स्टोरी इज द वीकेस्ट पॉइंट. स्टोरी काफ़ी रश्ड लगती है. मानो डिज्नी को स्काईवॉकर सांगा एंड तो करना था, बट पता नहीं था कैसे करना है. तो समय रहते जो स्टोरी इनके हाथ लग गई उन्होंने उसी को अप्रूव करके एंड कर दिया. इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है क्रिएटिव डिफरेंसेस. फोर्स अवेकन्स को जे अब्राम्स ने डायरेक्ट किया था, जिसमें उसने अपना खुद का मेथड और विजन लगाया जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था. बट एपिसोड 8 यानी लास्ट जेडाई को दूसरे डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, मतलब रायन जॉनसन ने. अब इसका विजन अलग था तो इसने अपने हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ाई. बहुत सारे फैंस द लास्ट जेडाई से नाराज थे, बट आई लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छी लगी. डिज्नी ने फिर एकदम लास्ट मोमेंट पर राइज ऑफ स्काईवॉकर के लिए फिर से जे अब्राम को हायर किया. जे ने ऑलरेडी कन्फेस किया था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मतलब इसको कम टाइम में वन ऑफ द बिगेस्ट साईफाई सागा इन द हिस्ट्री को कंक्लूड करना था, कम से कम फैंस को नाराज करते हुए. इमेजिन द प्रेशर. अब स्टार वॉर्स का फैन फॉलोइंग इतना वास्ट है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे से इसको एंड कर दो, हमेशा एक फैंस का ग्रुप ऐसा रहेगा जो बोलेगा कि जे ने तो स्टार वॉर्स की वाट लगा दी. सो जे ने राइज ऑफ स्काईवॉकर को फिर से अपने हिसाब से बनाया एंड यू कैन फील इट. ये मूवी लास्ट जेडाई की बजाय फोर्स अवेकन्स का सीक्वल ज्यादा लगती है. कुछ स्टोरी पॉइंट्स पर जे ने बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन किया है लास्ट जेडाई से राइज ऑफ स्काईवॉकर के बीच, बट बाकी टाइम ऐसा लगता है कि इसने एपिसोड 8 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है. और टाइम कम रहने की वजह से स्टोरी भी काफी फास्ट और अप टू द पॉइंट लगती है. ये लोग हमेशा ग्रुप बनाकर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भागते रहते हैं. ऑडियंस कैरेक्टर से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाती, स्पेशली नए कैरेक्टर से. रिटर्न ऑफ शिव पल्पतीन, AKA डार्थ सीडियस. ऑनेस्टली जब यह अनाउंस हुआ था कि एपिसोड 9 में पल्पतीन वापस आ रहा है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट बाद में मुझे लगा कि कम ऑन, पिछले 3 जनरेशन से स्काईवॉकर फैमिली और पूरी गैलेक्सी एक ही विलन से लड़ रही है और अब आप बता रहे हो कि वो अभी भी जिंदा है और छुपकर अपनी नई फौज बना रहा है. पर्सनली मुझे रिटर्न ऑफ द जेडाई का एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था. एनेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए अपने मास्टर पल्पतीन को मार के अपनी खुद की कुर्बानी देता है और फोर्स का हिस्सा बन जाता है और इसी के साथ उसका स्टोरी आर्क कंप्लीट हो जाता है. बट अब पल्पतीन जिंदा है सो दिस चेंजेस एवरीथिंग. एक और प्रॉब्लम, सारी मूवी में ये बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन किया है कि पल्पतीन उस फॉल से जिंदा बचा कैसे. जो टाई हार्ड फैंस हैं और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है और वीडियो गेम्स खेले हैं वो अपना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि शायद पल्पतीन ने मरने से पहले अपनी बॉडी अपने क्लोन्स के साथ स्विच की होगी या ऐसा कुछ, जो कि पावरफुल सिद्ध कर सकते हैं. बट अगेन एक्सप्लेन करो ना यार.
कॉलबैक्स टू ओरिजिनल ट्रायोलॉजी। सो जे अब्राम्स को ओरिजिनल ट्रायोलॉजी से सीन्स रिक्रिएट करना और एग्जैक्ट स्टोरी लाइन कॉपी करना बहुत पसंद है, और इस मूवी में भी वो भर भर के हैं। इवन सम मेन स्टोरी ट्विस्ट आर द डायरेक्ट कॉपी। फैन सर्विस वगैरह ठीक है यार, बट मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एंड द फाइनल प्रॉब्लम इज द पे ऑफ। अगेन रिटर्न ऑफ द जेडाई के एंड में आपको वो फीलिंग आती है कि यस, जो भी हमारे हीरोज ने एफर्ट्स लिए, सैक्रिफाइसेस किए, इट फाइनली पेड ऑफ। बट ये वाली फीलिंग आपको एपिसोड 9 के एंड में नहीं आती। मूवी खत्म होने के बाद आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, गूज बम्स आए होते हैं, इमोशंस दौड़ रहे होते हैं। यू थिंक आफ्टर 42 ईयर्स द स्काईवॉकर सागा हैज फाइनली कंक्लूडेड, बट वो फीलिंग होता है द स्टोरी एंडेड वाला, द स्टोरी पेड ऑफ वाला नहीं। इसके बारे में डिटेल में हम फुल ब्रेकडाउन में बात करेंगे, तब आपको समझेगा व्हाट डू आई मीन। सो अगर मुझे इस मूवी का रिव्यू बस एक लाइन में देना पड़े तो मैं कहूंगा आई एम सेटिस्फाइड। आई डोंट हेट इट, आई डोंट लव इट सो मच, बट आई एम सेटिस्फाइड। और अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग्स देने पड़े तो मैं इसे दूंगा 8 out of 10, ओनली बिकॉज ऑफ द क्लाइमैक्स, अदरवाइज इट्स मोर लाइक अ 7। थैंक यू अगेन फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। जल्दी ही विचर के एपिसोड्स के ब्रेकडाउन भी आने वाले हैं। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।